अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिवाइसर की स्पीडोमीटर की केबल के बारे में कि ये देखने में कैसी और किस तरह काम करती है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये डिवाइसर की स्पीडोमीटर की केबल है। तो मैं अभी इसको इसके हल्के से शार्पर में से निकाल लेता हूँ। बहुत ही हल्का शार्पर बनाया इन्होंने, पार्ट्स तो इतने महंगे हैं कि ना पूछें। और ये शार्पर आप देख लें तो ये किसी काम का नहीं। जी तो दोस्तों ये मैं आपके सामने केबल निकाल रहा हूँ, इसमें से केबल मैंने निकाल ली। तो जैसा कि मैंने कहा था ये शापर हम किसी काम का नहीं थे, इसको हम एक साइड पे लगा देते हैं। जाओ भाई तुम एक साइड पे, ये देखना ये जो है ये केबल है स्पीडोमीटर की, और ये वो हिस्सा है जो कि मीटर में लगता है। ये देखना आप, ये वो हिस्सा है या वो सिरा है जो कि डैशबोर्ड में आकर मीटर में लगता है, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये VSS सेंसर में लगता है। ये देख लें, ये वो इंजन वाला पार्ट है जो कि हम VSS सेंसर में इसको लगाते हैं। ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये इसका ये वाला सिरा देख लें। ये दोनों सिंपल से ही हैं देखने में, एक तरफ बस वो उन्होंने बोल्ट दिया हुआ है ये केबल को टाइट करने के लिए, एक तरफ बोल्ट है और ये दूसरी तरफ ये बोल्ट है। बाकी इसके अंदर ये जो आप पिन देख रहे हैं ये बिल्कुल सिंपल है। मैं ज़रा फोकस कर देता हूँ कैमरे पर ताकि आप देख सकें, ये आप देख लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उसको दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।